अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ दावत स्टाइल कॉम्बो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिरयानी के अखनी, कच्चे चिकन की अखनी। कच्चे चिकन के लिए मैं ली हूँ 1.5 किलो चिकन और इसको वॉश करके रख ली। सबसे पहले हम कच्चे अखनी की जो बिरयानी बना रहे हैं उसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद दूसरे चीज़ों का प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 3 टीस्पून है नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 3 टीस्पून है लाल मिर्ची, 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन। ये 1.5 किलो चिकन है और 1.5 किलो राइस है लूँगी मैं, और गरम मसाला पाउडर है 2 टीस्पून। गरम मसाले में 4 चीज़ें, दालचीनी, लौंग, शाहजीरा, इलायची, और इसमें डालेंगे साबित गरम मसाला। आधा गरम मसाला इसमें डाल देंगे, आधा जब चावल पकता, जब चावल के अधन में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे कोथमीर पुदीना, एक एक बंच डालेंगे कोथमीर पुदीना, और थोड़े से हरी मिर्चों को बीच से स्लिट करके डालेंगे। अब इसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे और एक प्याज के साथ मिलाना। हाथ से मैं अच्छे से मिला ली। अब इसमें डालेंगे गाढ़ा दही फेंट के रखिए, ये 300 ग्राम। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के लेमन का जूस, और चावल है 1.5 किलो और चिकन है 1.5 किलो। 300 ग्राम में प्याज को फ्राई कर लीजिए, प्याज को क्रश करके डालना, थोड़ी सी प्याज दम पे लगाने के लिए, लेयर्स के ऊपर लगाने के लिए रखेंगे बाहर के दाल। अब इसमें ऑयल भी डाल देंगे, वही ऑयल डालना जिसमें हम प्याज फ्राई करते हैं। ऑयल डालना 250 ग्राम, 250 ग्राम। ऑयल भी डालने के बाद एक बार अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब इसमें कुछ भी डालना बाकी नहीं रहेगा, सारे चीज़ें हम डाल दिए, सिर्फ इसको 1 घंटा ढाक के छोड़ देंगे, या टाइम है तो आप 1.5-2 घंटे भी रख सकते हैं। अखनी बहुत ज़बरदस्त होती है, जितना टाइम हम रखेंगे चिकन के हिसाब से भी रहता, चिकन बढ़ा ली तो टाइम लगता। 1 घंटा पर रख लो, आप टाइम रहा तो 2 घंटे भी रख सकते, 1.5 घंटा रख सकते, लेकिन कम से कम 1 घंटा ज़रूरी है। और इसको ढाँप के छोड़ देंगे। अब इसमें कुछ भी डालना बाकी नहीं है, सिर्फ चावल को पकाना 80% और दम देना रहता है। इसको ढाँप के इसको साइड में रख देंगे। बिरयानी बहुत आसान रहती बनाना, अगर ये जो बताइए आप अखनी जैसे बनाते वो अगर सीख लिया तो आप आसानी के साथ बिरयानी दम दे सकते, और जितनी क्वांटिटी बोली मेजरमेंट उतना ही बनाइए आप, चावल गोश्त के हिसाब से, चावल के हिसाब से, दही और प्याज की क्वांटिटी सही रहना तो बिरयानी सूखी नहीं बनती, अच्छी मसालेदार बनती। अब चिकन 65 की तैयारी करेंगे, और चिकन 65 भी बनाएंगे चाइनीज स्टाइल से। इसके लिए मैं एक मुर्गी ली और विथ बोन्स के साथ इसको कटा ली, और लेग पीसेस को भी छोटे पीसेस करा ली। इसे विथ बोन्स के साथ भी बहुत मज़ेदार होती है, और अगर चाहें तो आप सिर्फ बोनलेस के साथ भी बना सकते, लेकिन मैं आज विथ बोन्स के साथ पूरी एक मुर्गी को छोटे पीसेस करा ली और विथ बोन्स के साथ बना ली। ये भी बहुत मज़ेदार होती और चाइनीज स्टाइल में। इसके लिए मैं ली हूँ एक साबुत मुर्गे के लिए मैं ली हूँ 3 टीस्पून नमक है, 3 टीस्पून लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून हल्दी है। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते, लेकिन इसमें तो ज़रा अच्छा ही डालना, और 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर। ज़रा चिकन 65 चटपटा ही मज़ेदार होता। और ये है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन, ये मसाले डालने के बाद हम हाथ से इसको अच्छे से लगा लेंगे। एक बार हाथ से अच्छे से लगाने के बाद दूसरी चीज़ें डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा 1/2 लेमन का जूस डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून जीरा पाउडर, ये रोस्ट करके पाउडर बने हुआ है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर,
अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के बाद 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। अब इसमें रेड फूड कलर 2 से 3 चुटकी। अब इसमें 1 अंडा डालेंगे, सफेदी जर्दी 2 भी डालेंगे। इसको सारी चीज़ें हो गया, कुछ भी डालना नहीं है। अब इसको 1 आधे घंटे के लिए ढाप के छोड़ देंगे, 1.5 घंटा। अगर जल्दी में है तो 1.5 घंटा काफ़ी है, अगर टाइम है तो 1 घंटे के लिए ढाप के छोड़ देंगे। इसके बाद सिर्फ इसको फ्राई करना है और इसका इसको ग्रेवी स्टाइल देना है, हल्की सी सॉसों के साथ। अब और कोई चीज़ डालना नहीं है, 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अदहन के लिए मैं पानी रख दी, पानी में डालेंगे 4 टेबलस्पून नमक और थोड़ा सी हरी मिर्चा बीच से स्लिट किए हुए और थोड़ा सा कोथमीर रख देना और जो साबित गरम मसाला रख लिए थे वो डालेंगे और इसको ढाप देंगे, बॉईल होने का वेट करेंगे। चावल है ये 1.5 किलो और ये है सोना मसूरी जो डेली यूज़ करते हैं। इसको वॉश करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और इसका पानी निकाल लें। इसका पानी निकाल लिए, चावल का अदहन आना शुरू हो गया, बॉईल होना शुरू हो गया पानी। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से एक बार इसको मिला लेना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ भर जाते हैं ये चावल के। एक बार हल्के से इसको मिक्स कर लेंगे, चावल भीगे हुआ है टूट जाता है इसलिए। और इसको बॉईल होने के लिए वेट करेंगे, ढाप दें। गुलाब जामुन के लिए और इसका डो तैयार कर लेंगे। ये खोवा है, 350 ग्राम खोवा है और ये फ्रेश खोवा है अभी बना सो, और खोवा कभी भी फ्रेश लेना। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा। खोवा, मैदा, शक्कर, 3 चीज़ों से गुलाब जामुन बन जाते हैं और बिल्कुल बहुत मज़ेदार बनते हैं खोवे के गुलाब जामुन, और ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और 3 चुटकी लेंगे खाने का सोडा। हाँ, इसमें सिर्फ शक्कर, खोवा और मैदा, 3 चीज़ों से ज़बरदस्त गुलाब जामुन तैयार होती है। और इलायची का पाउडर, इलायची का पाउडर मैं इस चाहे तो आप इसमें डाल दे सकते हैं थोड़ा सा, मैं इसमें न डालूँ, शक्कर के शीरे में पकाते वक्त डालूँगी। अब इसको इसलिए मैं बोली ताज़ा है ये अभी बना, ताज़ा खोवा बिल्कुल नरम रहता, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट और नरम रहता। वही बासी पुराना खोवा हम 2 दिन का ऐसा रखेंगे फ्रिज में तो घट हो जाता वो, इसलिए ये मैदे को बहुत जल्दी भीग जाता है, ये मैदे के साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। अच्छा समय इसका डो बना लिए। इसका डो अच्छे से बना लिए, अब इसको 1/2 घंटे के लिए ढाप के छोड़ देंगे। ढक्कन निकाल के बीच में 1-2 बार इसको मिला लेना। चावल को हम 80% कुक करेंगे, इसके बाद इसको छान लेंगे। चलिए चावल को मैं निथार दी और अखनी में चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद इसके ऊपर से डालेंगे तली हुई प्याज। अब इसके ऊपर से डालेंगे ऑरेंज फूड कलर और थोड़ा सा कटे हुआ कुटमीर पुदीना, और जो प्याज फ्राई करे थे जो 1/2 ऑयल रख लिए थे वो 1/2 ऑयल डाल लेंगे। अब इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा असली घी, 1-2 टेबलस्पून डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं रख दी इसको, 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। दही की चटनी बनाएंगे, इसके लिए मैं लूँ 1/4 किलो दही और इसको विक्स की मदद से या स्पून की मदद से फेंट लेना और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई कोथमीर पुदीना और 1 हरी मिर्ची को पीसेस कर लें। अगर चाहे तो आप हरी मिर्ची कोथमीर पुदीने का पेस्ट बना के भी मिक्स कर सकते हैं आप, अगर आपको ऐसा पसंद नहीं आया तो। और 1 छोटी प्याज की, प्याज को ऑमलेट कट कर ली मोटा मोटा और इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी, पानी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, गाढ़ा होना या पतला है ना मीडियम,
कम से कम ये पतला तो ना रखना लेकिन मीडियम रखना। चलिए हमारे दही की चटनी तैयार है, इसको साइड में रखते हैं। 10 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे रखी, 10 मिनट हो गए। अब फ्लेम को धीमा करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के लिए मैं धीमे फ्लेम पे रखी थी, माशाल्लाह 15 मिनट हो गए और इसको मैं अंदर तक चेक कर ली, पानी नहीं है, अच्छा ड्राई हो गया और अच्छे से दम हो गई। माशाल्लाह बहुत अच्छे से दम हुई। चलिए बिरयानी दम हो गई, इसको साइड में रख देंगे और चिकन 65 की तैयारी करेंगे। आधा घंटा हो गया ये भीग के, और एक चार पाँच मिनट इसको अच्छे से गूंद लेंगे। सबसे पहले शीरा बनाएंगे। शीरे के लिए एक भगोना लिया और इसमें डाले 200 ग्राम शक्कर। जितनी शक्कर लिए हम उतना पानी डालेंगे और थोड़ा सा ऐड करेंगे। शक्कर डालने के बाद इसको कंटिन्यू मिलाते जाना जब तक शक्कर घुल नहीं जाती, नहीं तो बर्तन में पकड़ लेती। और इसमें डालेंगे 4 इलायची है, इसका मुंह खोल के डालें, और ज़ाफरानी कलर फूड कलर डालेंगे 2 चुटकी, और इसको मिलाते हुए शक्कर को घुला लेंगे। शीरे को पकाना, अब इसमें हल्के से चिपटाई आना, ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं बनाना। ज़्यादा गाढ़ा शीरा बनाया तो गुलाब जामुन ऑब्जर्व नहीं करता, इसको जज्ब नहीं करता शीरे को, गुलाब जामुन अंदर कच्चे ही रह आते। अगर गाढ़ा ज़्यादा बहुत गाढ़ा शीरा बना लेंगे तो गुलाब जामुन उसको जज्ब नहीं करता शीरे को। तो थोड़ी सी चिकटाई आना, जैसे सिरप रहते ना उसमें थोड़ी सी चिकटाई आने तक पका लेंगे। चलिए हमारा शीरा तैयार है। शीरे में हल्की सी चिकटाई आ गई, शीरे में हल्की सी चिकटाई आ गई। अब फ्लेम को बंद करके शीरा, जिस बर्तन में गुलाब जामुन बनाना है उसमें शीरा डाल देंगे। चलिए इसको 4 से 5 मिनट में अच्छे से गूंद ली। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, चाहे तो आप इसको गोल भी बना सकते, चाहे तो आप इसको लंबे शक्ल में भी बना सकते। इस तरह से चाहे तो गोल बना सकते हैं, चाहे तो लंबी शक्ल में बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, कच्चे रह जाते हैं, मीडियम बनाना, ज़्यादा भी छोटा नहीं। एक छोटे लेमन करता इसका बैटर लेना। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। चलिए हमारे गुलाब जामुन तैयार है, अब इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में रख दी, डाल दी मैं ऑयल और डीप फ्राई के लिए, और ऑयल मीडियम गर्म रखना। ज़्यादा गर्म रखेंगे तो ऊपर से जल जाते, अंदर से कच्चे रह जाते, और बिल्कुल कच्चे तेल में भी अच्छे फ्राई नहीं होते। ऑयल हमारा गर्म हो गया, थोड़ा सा टुकड़ा डाल के इसका जो गूंदे हैं उसका डाल के देखना, फिर ऊपर आ जाते समझना ऑयल तैयार है। और ऑयल भी मीडियम गर्म रहना और फ्लेम को भी मीडियम रखेंगे, फ्लेम को मीडियम कर दी। अब इसको एक एक डालते जाएंगे, जितनी कैपेसिटी है उतना डालेंगे, ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर देंगे। एक साइड होने के बाद दूसरे साइड को पलटेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन अच्छे से फ्राई हो गया, इसको निकाल लेंगे। अब शीरा जो हम गर्म करते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं रहना, मीडियम गर्म रहना, इसमें छोड़ेंगे। शीरे में डालने के बाद इसको गुलाब जामुन को अच्छे से मिला लेंगे। जब शीरा जब्स करता ये गुलाब जामुन पीना शुरू होते नीचे बैठ जाते थोड़ी देर के बाद। इसी तरह हम सारे फ्राई करेंगे। चलिए हमारे गुलाब जामुन तैयार है। गुलाब जामुन को चमचे से हल्के से मिला लेना शीरे में अच्छे से, शीरा से। और शीरा अगर आप चाहें तो बड़के भी बना सकते हैं, ये भी इतना भी काफ़ी हो जाता। चलिए गुलाब जामुन को साइड में रख देंगे, ये एक आधे घंटे के बाद और अच्छे से रख देते, जब ठंडे हो जाते ये 1-2 घंटे इसको
पका के बाहर रख देना। एक दो घंटे के बाद आप फ्रिज में रखना। फ्रिज में दो तीन दिन, चार पाँच दिन तक भी आराम से आप रख के खा सकते, ज़रे भी ख़राब नहीं होते और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तभी गुलाब जामुन को साइड में रख देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट होकर एक घंटा हो गया, अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले एक घंटे के लिए हम ढाप कर रखे थे, एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए, इसके लिए डीप फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में ऑयल डाली और मीडियम गर्म पे फ्राई करेंगे। एक साइड होने के बाद इसको पलट देंगे। अब ये डालने के बाद इसको टच नहीं करना, इसकी कोटिंग ख़राब हो जाती है। इसको इसी तरह से छोड़ देना और एक साइड अच्छे से पकने के बाद इसको पलटाना। एक साइड हो गई और इसको पलटा लेंगे। चिकन तलते वक्त फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके, कच्चा ना रहे, क्योंकि ये बोन्स के साथ बना रहे। चलिए, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया। मीडियम फ्लेम पर करके फ्राई कर ली मैं, हड्डी का है विथ बोन्स के साथ है, अंदर कच्चा रह जाता। इसी तरह हम सारे फ्राई करेंगे। हमारा सारा चिकन फ्राई हो गया। हमारा फ्राई हो गया। सॉसों को एक जगह कर लेंगे। ये है टमाटो सॉस, ये है टमाटो सॉस हॉट एंड स्वीट का 1 टेबल स्पून और ये केचप है 1 टेबल स्पून। ये रेड चिली सॉस है, ये भी 1 टेबल स्पून। सोया सॉस डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। और विनीगर है 1/2 टेबल स्पून। सारे सॉसों को मैं एक जगह मिला के रख ले रही हूँ। अब 3 टेबल स्पून ऑयल डाली में कढ़ाई में। एक 7-8 लहसुन को बारीक कट कर ली, हरी मिर्ची को स्लिट कर ली, करियापा और एक आधा लेमन और रेड फूड कलर। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे लहसुन कटे हुआ। थोड़ा सा आम निकाल लेंगे ऊपर से डालने के लिए, हरी मिर्ची करी आता। अब सॉस को डाल देंगे और फ्लेम को धीमा रखेंगे, बाद में बना लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची डाली हूँ, नमक की ज़रूरत नहीं है, चिकन में भी अच्छे से लगाया और सॉस में भी रहता, बाद में टेस्ट करके थोड़ा कम है तो डाल सकते हैं, अब ज़रूरत नहीं है। और मिर्ची को अच्छे से मिला लेंगे, 2 चुटकी फूड रेड कलर। फ्लेम को मैं धीमा रखती, जल्दी सॉस हम जल्दी पक जाते हैं। अब इसमें हम चिकन फ्राई करके रखें तो वो चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा लेमन, अगर आपको खट्टा पसंद है तो डालिए या सॉस में भी खटास रहती। फ्लेम को तेज करके पका लेंगे।
चलिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हमारा चिकन सिक्सटी फाइव, फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए माशाल्लाह हमारा चिकन 65 तैयार है बिरयानी, और घर के चावल की बिरयानी है ये गुलाब जामुन, दही की चटनी और रुमाली रोटी। रुमाली रोटी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। देखिए माशाल्लाह से गुलाब जामुन हमारे बहुत अच्छे बने हैं। दूसरा तोड़ के बताऊंगी मैं, बहुत अच्छे गुलाब जामुन हैं। चलिए हमारी बिरयानी, गुलाब जामुन, दही की चटनी, चिकन 65 और रुमाली रोटी माशाल्लाह बहुत अच्छे बने, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।